Our next question is answer these questions. Okay, first, where did the penguin live? Means जो कबूतर था वो कहाँ रहता था? Answer, the penguin lived in a mango tree. जो कबूतर था वो आम के पेड़ पर रहता था. Second, why were the children of the penguin not able to fly? जो कबूतर के जो बच्चे थे वो क्यों नहीं उड़ पा रहे थे? Answer, the children of the penguin not able to fly because they had not grown the wings. जो कबूतर के बच्चे थे उनके जो पर थे वो पूरी तरह से बड़े नहीं हुए थे, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहे थे. ओके, थर्ड, What did the monkey say to the birds? जो बंदर था उसने birds पक्षियों से क्या कहा? Answer, One day कालू proudly said to birds. जो बंदर था उसने बहुत गर्व से कहा पक्षियों से, I am the most powerful among us you. मैं तुम सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ. ओके, फोर्थ, What did the penguin do when he found his children lying unconscious? कबूतर ने क्या किया जब उसके बच्चों को देखा उन्हें कि वो बेहोश पड़े हुए हैं? ओके, सो आंसर इज ही वॉज शॉक्ड. वो देखकर एकदम चौंक गया. टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस, कि उसके जो बच्चे हैं वो बेहोश पड़े हैं. इमीडिएटली द पिगवेन लर्न हु हैड डन ऑल डेट. उसने समझ लिया कि ये सब किसने किया है. He quietly started building his nest all over again. और उसने चुपचाप से उसका जो nest means घोंसला है वो फिर से बना लिया. Okay. Five. Why was the monkey moaning? जो monkey था वो क्यों करा रहा था? Okay. Answer. The monkey was moaning. जो बंदर था वो करा रहा था बिकॉज हिज लेग एंड इट्स बैडली. उसके पैर में लग गई थी और बहुत बुरी तरह. ओके, सिक्स, व्हाट सडन केम इन द मंकीज बिहेवियर. व्हाई, क्या चेंज आ गया था बंदर के स्वभाव में, बिहेवियर में, और क्यों आया? ओके, आंसर, द सडन चेंज केम इन द मंकीज बिहेवियर. जो बंदर था उसके बिहेवियर में एकदम से चेंज आ गया था, बदलाव आ गया था. बिकॉज द पिगवेन हेल्प टू द लेग. जो कबूतर था उसने उसकी हेल्प करी थी जब उसके पैर में लग गई थी. तो द मंकी फेल्ट इंस्टेंट रिलीफ. जो बंदर था उसको अच्छा लगा एंड ही वॉज हैप्पी नाउ. और वो अब खुश था. ओके, नेक्स्ट, वाई वर द बर्ड्स सरप्राइज. जो बर्ड्स थे पक्षी थे वो क्यों आश्चर्यचकित हो गए देखकर, क्या देखा उन्होंने? आंसर, ऑल द बर्ड्स ऑफ द ट्री वर प्लेजेंटली सरप्राइज. वो एकदम खुशी से चौंक गए. टू सी द सडन चेंज इन मंकीज बिहेवियर. जो बंदर था उसके बिहेवियर में चेंज आ गया था. दे सॉ द मंकी मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली विद द बर्ड्स. उन्होंने देखा कि जो बंदर है वो पक्षियों से अच्छे से मिल रहा है और बातें कर रहा है. ओके, Now, our next question is, arrange the following statements in the appropriate order they occur in the lesson. Okay, हमको ये arrange करना है. Okay, so first one is, there lived a penguin on a mango tree. जो एक कबूतर था वो आम के पेड़ पर रहता था. Okay, second, on the same mango tree, a monkey named Kalu was also living. उसी आम के पेड़ पर एक कालू नाम का बंदर भी रहता था. Okay. सो थर्ड नंबर कम्स, द मंकी सेड यू शुड पे मी रिगार्ड्स. बंदर ने कहा कि तुम्हें मुझे रिगार्ड्स, मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी, मेरा आदर करना होगा. ओके, सो फिफ्थ नंबर कम, द मंकी वॉज मॉर्निंग. जो बंदर था वो करा रहा था. ओके, द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द पिगवन. मीन्स जो कबूतर था उसने बंदर की हेल्प करी थी तो बंदर का मीन्स उसके प्रति जो स्वभाव था वो चेंज हो गया था. ओके, सेवन नंबर कम्स, ऑल द बर्ड्स वर सरप्राइज्ड टू सी द सडन चेंज. जो सारे पक्षी थे वो एकदम से सरप्राइज हो गए थे, चकित हो गए थे कि बंदर के बिहेवियर में चेंज आ गया था. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?